बनाया है, बहुत साल मेहनत किया है, मेहनत करके आज एक पोजीशन में आए हैं जहां पर कंपनी या फर्म को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो रहा है। अब उसमें से जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो नेचुरली वो मांगेगा उसका शेयर, बोलेगा मैंने भी इस फर्म के लिए उतना ही मेहनत किया है जितना आप लोगों ने किया है, तो मेरा मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, विच इज फेयर इनफ। तो ऐसे टाइम पर जाने वाले पार्टनर को गुडविल का दो मेन प्रकार से एडजस्टमेंट हो सकता है, ध्यान में रख लेना। एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसा शुरुआत है लेकिन आगे चल के बहुत अलग होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर गुडविल, व्हेन वी टॉक अबाउट गुडविल, याद रख लेना देर आर ओनली टू केसेस विच आर पॉसिबल। वन, गुडविल अकाउंट इज रेस्ड, एंड ऑब्वियसली सेकेंड वन अगर किसी ने गेस कर लिया रहेगा तो गुडविल अकाउंट इज रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। कोई बोलोगे सर पहला वाला क्यों नहीं है इसमें, पहला वाला यानी रिटेन्ड और वो जो विड्रॉन वाला केस। यहाँ पर याद रख लेना कि कोई क्या बोलते हैं नया पार्टनर आ नहीं रहा है, एक पार्टनर फॉर्म में से जा रहा है, तो जब वो जाएगा मेरे दोस्तों याद रखने की कोशिश करो कि जब वो जब जा रहा है तब हमको उसको सिर्फ गुडविल का पैसा नहीं देना है, उसको कैपिटल का पैसा देना है, उसको बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं, इसीलिए गुडविल कैश में डील नहीं होगा। मेरे को एक बार आई रिमेम्बर प्रांजलि आस्किंग मी वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन कि गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, व्हाट इज टू बी डन। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है तो क्या करना है सर? तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है तो मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल काम करना है, आप लोगों को गुडविल जो है उसको एक नॉर्मल एसेट जैसा ट्रीट करना है। आई रिपीट अगेन, उसको जो है आपको यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल एसेट। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई से? यू हैव टू ट्रीट एज अ नॉर्मल एसेट, मतलब उसको जो है यू हैव टू थिंक दैट इट इज व्हाट वी कॉल एज अ रेगुलर एसेट, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसका वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट, वैल्यू कम हो गया तो लॉस, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इफ गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट डू नॉट वरी, नॉर्मल काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ कम्स गुडविल अकाउंट रेज्ड। आप लोग अभी जानते हो मैंने उस टाइम पे भी आपको सिखाया था कि गुडविल का दो वैल्यू होता है, एक होता है वहां पर था न्यू पार्टनर शेयर, एक होता है एंटायर फर्म। यहाँ पर भी गुडविल कैन बी रेज आइदर फॉर द एंटायर फर्म और इट कैन बी ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। माय डियर फ्रेंड्स, समझ लो वापिस, सब लोग ध्यान दो। उधर गुडविल रेस करने का एक एंट्री था, राइट ऑफ करने का दो अलग अलग एंट्री था। उधर यानी कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या आपको याद है क्या, वहां पर रेज्ड का एक एंट्री था और राइट ऑफ का दो एंट्री अलग अलग अपन ने सीखा था। इधर उल्टा है, इधर रेस करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग एंट्री है और राइट ऑफ करने का एक ही जर्नल एंट्री होगा। तो फर्क को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। केसेस गुडविल के सब लोगों के समझे क्या? देर आर ओनली टू केसेस। व्हाट आर द टू केसेस? फर्स्ट केस इज गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बट इट कैन बी रेज्ड फॉर द एंटायर फर्म और ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर, और गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। पहले और अभी में फर्क समझना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से आपको काम करना जरूरी है।
लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड जर्नल एंट्री। यहाँ तक केसेस सब लोगों को समझा गया दोस्तों? समझा मतलब अभी मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझा क्या। फॉर गुडविल अकाउंट रेस, हमने बोला गुडविल कैन बी रेस्ड आइदर फॉर द एंटायर फर्म और ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनरशिप। सो इफ गुडविल अकाउंट is raised for the entire firm, I think this is easier for you to imagine, to think and tell the journal entry. कोई कोशिश करना चाहेगा तो chat box में try करो, क्या journal entry pass करोगे when goodwill account is raised for the entire firm, क्या journal entry आएगा दोस्तों? Try करने की कोशिश करो, कोई करना चाहता है तो। गुडविल अकाउंट अगर पूरे फर्म के लिए रेज हुआ तो क्या जर्नल एंट्री आ सकता है? वेरी गुड, सो यस फ्यू ऑफ यू आर ट्राइंग इट करेक्टली, इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड एंटायर फर्म है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड व्हेन आई से ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दिस चैप्टर इट विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी। इफ गुडविल अकाउंट इज रेस्ड फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ओनली, अगर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली बोला तो उसको रिटायरनर के शेयर से मल्टीप्लाई करने का, ऐसे टाइम पर जर्नल एंट्री में क्या बदलाव आएगा? गुडविल रेज करते वो गुडविल अकाउंट पे डेबिट होगा और क्रेडिट आएगा सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो सब लोगों को समझा क्या दोस्तों? दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल अकाउंट। फिर आएगा फॉर गुडविल अकाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ, आने वाला है फॉर गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज का एक ही जर्नल एंट्री है सब लोगों को मालूम है, तो इन दिस केस टू एंट्रीज विल बी पास, रेज एंड रिटर्न ऑफ रहेगा तो टू एंट्रीज आएगा। गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड बाय पासिंग any one of the above entries, तो कोई भी रहेगा, एंटायर फॉर्म का होगा तो एंटायर फॉर्म, रिटायरिंग पार्टनर शेयर होगा तो रिटायरिंग, जो भी रहेगा उसके हिसाब से। द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट विल बी, अब मेरे को बताओ मेरे दोस्तों, एक पार्टनर के जाने के वजह से, सी के जाने के वजह से फायदा किसका होने वाला है? सी के जाने के वजह से फायदा किसका होने वाला है? ए एंड बी का, अरिका घोष ओल्ड पार्टनर्स नहीं है वो लोग, ए एंड बी को यहां पर हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, नाम याद रखो, कंफ्यूज मत हो जाओ। सो गुडविल अकाउंट जो है ये डेबिट था तो क्लोज होते वक्त क्रेडिट हो जाएगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इसका फायदा उसको डेबिट, हमेशा याद रखना,
गुडविल अकाउंट विल सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन कैश रेशियो। इसका जवाब आएगा बेनिफिट रेशियो। याद रख लेना गुडविल हमेशा राइट ऑफ करते वक्त इन द एंट्री ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल। बेनिफिट रेशियो का कहां कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है? फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। जैसे वहां पर सैक्रिफाइस रेशियो डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल होता है, वैसा बेनिफिट रेशियो कभी यूज होता है मेरे दोस्तों फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। बोलो मैंने क्या समझाया, सब लोगों को ध्यान में आया क्या? इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? सो गुडविल अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड इन विच रेशियो? इट इज ऑलवेज डेबिटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल इज ऑलवेज डेबिटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल रेस का राइट ऑफ करते वक्त बेनिफिट रेशियो उल्टा है, याद रखने का। गुडविल में यहाँ पर ज्यादा झंझट नहीं है, गुडविल में दो ही जर्नल एंट्री पॉसिबल है मैक्सिमम। रेज रहेगा तो एक एंट्री, रेज एंड रिटर्न ऑफ रहेगा तो दो जर्नल एंट्री, बस इतना ही चीज है आपका एज फार एज गुडविल इज कंसर्न। गुडविल का कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाला है। गुडविल का कैलकुलेशन यानी एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर। और लास्ट टॉपिक आता है वो है फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आता है मेरे दोस्तों इट इज फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। फाइनल सेटलमेंट में क्या करते हैं? द आउटगोइंग पार्टनर और द रिटायरिंग पार्टनर आर एलिजिबल टू रिसीव द फॉलोइंग। चलो आप लोग अभी मेरे को बताओगे कि एक पार्टनर जब जा रहा है तो उसको क्या क्या मिलता है। पार्टनर जब फॉर्म से जाता है क्या क्या मिलता है? बोलो एक एक करके आप लोग मुझे बताओ सोच समझ कर। उसको हम लोगों ने क्या क्या चीज, कल से अपन बहुत सारे चीज दे रहे, क्या क्या दे रहे? चलो लिखना कोशिश करो सब लोगों ने। सबसे पहला क्या मिलेगा उसको? गुडविल सबसे पहला प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर थोड़ी अभी, प्रॉफिट शेयर तो हो गया है ना प्रोजेक्ट का। उसको मिलेगा सबसे पहला वो है कैपिटल। सबसे पहला उसको मिलेगा हिज कैपिटल इन द फॉर्म। और क्या मिलने वाला है? शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या मिलेगा? शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। और फिर शेयर इन गुडविल। कल से अपन ने यही सब चीज सीखा है ना मेरे दोस्तों, तो ये सब चीज उसको मिलेगा। द टोटल अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी शोन एज अ बैलेंसिंग फिगर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In his column. तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको ये सब चीज उसके कॉलम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। ये बोला तो सब लोगों को समझता ही गया? यस और नो?
द टोटल अमाउंट कैन बी सेटल्ड इन टू वेज. अब उसको देना है, किसी को देना है आपको पैसा, तो पहला आप दे सकते हो बाय पेमेंट इन कैश. समझो पार्टनर जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी के कॉलम में जो डिफरेंस आया उसको पैसा दे दो, निकल जाएगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट. एकदम सिंपल है. लेकिन प्रॉब्लम है कि ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है, इट कैन बी ए ह्यूज अमाउंट. डू यू एग्री फ्रेंड्स? क्योंकि उसका कैपिटल है, उसका गुडविल है, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, उसका रिवैल्यूएशन है. और फर्म में अगर उस दिन उतना पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन आता है, बाय ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. सेकेंड ऑप्शन क्या आता है? बाय ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. तो सी के कॉलम में ठीक है, जो भी बैलेंस बचता है या तो उन लोग कैश दे सकते हैं या उसको जो है दे कैन ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, टू हिज लोन अकाउंट. Sometimes the firm may make part payment to the retiring partner and balance amount will be transferred to his loan account. ध्यान से समझ लो, कभी कभी दोनों का मिक्सचर हो सकता है. समझो उसको 120,000 रुपया देने का है, तो 20,000 रुपया कैश दिया, 20,000 रुपया क्या दे दिया उसको, कैश, और 1,00,000 रुपया उसके लोन अकाउंट में डाल दिया. अब थोड़ा सा ध्यान देना इफेक्ट्स के बारे में. फर्स्ट वन, इफ सेटलमेंट इज डन इन कैश, if settlement is done in cash, so my dear friends, the journal entry for payment of cash to the outgoing partner will be. कोई कोशिश करना चाहता है क्या जर्नल एंट्री आ सकता है आउटगोइंग पार्टनर को? अगर हमने पेमेंट किया तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? अगर आउटगोइंग पार्टनर को हमने कैश पे किया तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? वेरी गुड. विच पार्टनर? यू शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी या आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर भी चलेगा. कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कैश एंड बैंक अकाउंट. Naturally, in this case, the second effect will be given in कौन सा अकाउंट आने वाला है? कैश एंड बैंक अकाउंट. ऑब्वियसली विच साइड? क्रेडिट साइड. तो कैश लिखा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोलो, सेटलमेंट इन कैश हुआ तो क्या करने का सब लोगों को समझा क्या? तुम लोग अभी बीके में मेरे ख्याल से काफी अच्छा कर रहे हो. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरे सिखाने से पहले समझ में आने लग गया है. इफ सेटलमेंट इज डन बाय लोन अकाउंट, इफ सेटलमेंट इज डन बाय लोन अकाउंट, सो द बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बाय पासिंग द एंट्री. कैश दिया तो कैश लिखा, अगर लोन आएगा तो बोलेंगे आउटगोइंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बोलोगे, आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन दिस केस द सेकेंड इफेक्ट विल बी गिवन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। अब नया बैलेंस शीट ए और बी का बन रहा है ना दोस्तों, उसमें सीज लोन अकाउंट क्या लिखा जाएगा, उसमें सीज लोन अकाउंट, और वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज हाउ फाइनल सेटलमेंट इज डन। देयर आर टू ऑप्शंस, एक कैश दे सकते हैं, दूसरा वो अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कैश में हुआ तो सेकेंड इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट में गया तो द लोन अमाउंट बैलेंस विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। बोलो इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी। बिकॉज द फर्म इज नॉट हैविंग कैश, फर्म के पास जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अचानक डिसीजन लिया, तबीयत खराब हो गया, इसलिए उसने बोला मेरे को आगे बिजनेस नहीं करना है। उस दिन फर्म के पास कैश है 60,000 रुपया है, लेकिन इसका अमाउंट पेएबल आया 1,20,000। तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा कैश इसको ही देके खत्म कर देने का। और ये फर्म का ही आदमी, इसको मालूम है आज फर्म के पास कैश नहीं है, तो ये बोलेगा ठीक है मेरे को 1 साल में पेमेंट करो, धीरे धीरे पेमेंट करो। हाँ वो 1 साल का, लेकिन उसको ब्याज देना पड़ेगा। अपने को वो सब कैलकुलेशन फिलहाल नहीं है, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेशन आता है आगे चल के, एडवांस लेवल में सीए में सिखाता हूँ मैं वो सब। लेकिन फिलहाल तुम लोगों को इतना ही बोला है कि दो ही चीज पॉसिबल है, या तो कैश दे दो पूरा, या तो लोन अकाउंट दो, या तो थोड़ा कैश और थोड़ा लोन अकाउंट। अंजलि तेरा डाउट समझा तेरे को? यस। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट? तो गुडविल में केसेस एकदम सिंपल है। गुडविल में दो ही बातें हैं, रेज्ड रेज्ड एंड रिटन ऑफ। रेज्ड में दो बातें हो सकती है, रेज्ड फॉर द एंटायर फर्म, रेज्ड फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो उसके हिसाब से हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो गुडविल अच्छा राइट ऑफ करते वक्त इट इज ऑलवेज इन विच रेशियो, बेनिफिट रेशियो। कल मैंने बताया था बेनिफिट रेशियो इज सेम एज न्यू रेशियो, बेनिफिट रेशियो इज सेम एज विच रेशियो, न्यू रेशियो। तो अगर बेनिफिट रेशियो अगर अपने को कैलकुलेट करना पड़ा तो उसको राइट ऑफ करते वक्त फाइनल सेटलमेंट में ये सब चीज आपको दिखेगा ही, कैश में या लोन में। हाँ अदर ट्रांजैक्शन में यहाँ पर क्या आ सकता है ध्यान से समझ लेना। समटाइम्स What do you want to ask, अस्मिता? Raised and return of, raised का entry जो भी रहेगा, raised करते हुए goodwill account is debit, if it is for the entire firm, then everyone will get credit. If it is raised only for retiring partner share, only retiring partner will get the credit. मैंने बोला इन raised and return of आया तो दो journal entry आएगा, एक raised करने का और एक write off करने का। तो raised कोई भी entry से होगा, राइट ऑफ करते वक्त गुडविल डेबिट हुआ है, राइट ऑफ कर रहे हो तो क्रेडिट होगा। मैंने बताया आपको कि एक पार्टनर के जाने के वजह से, सी के जाने के वजह से फायदा किसका होता है, ए और बी का। ए और बी को हम लोग क्या बोलते, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इसीलिए जिनको फायदा हो रहा है, अपन ने वहां पर भी लॉजिक वही सीखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त। एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त फर्म में आने के वजह से याद रखना सी का फायदा हो रहा था, बिकॉज ही वॉज ए न्यू पार्टनर। इसीलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वॉज डेबिटेड व्हेन वी यूज टू राइट ऑफ, या इट वॉज फॉर द एंटायर फर्म रहेगा तभी उधर ऑल पार्टनर्स का। तो उधर राइट ऑफ करने का दो एंट्री था, इधर राइट ऑफ करने का एक ही जनरल एंट्री है। एग्जैक्टली ऑपोजिट, लेकिन अलग अलग स्टोरीज है उसके पीछे। टेक्निकली ये रीजंस है। आपको और कुछ स्पेसिफिक डाउट पूछना है अस्मिता तो बोल सकते हो आप। फाइन, ओके। मैं आपको बता रहा था अदर ट्रांजैक्शन। समटाइम्स
द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मे ब्रिंग नेसेसरी कैश फ्रॉम देयर होम्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर In such a case, the entry for cash brought by continuing partners will be. कभी कभी क्या हो सकता है, अभी outgoing partner कभी कभी बोलेगा नहीं मेरे को पैसा ही चाहिए, अभी के अभी पैसा चाहिए, तो जूना partners का वो जिम्मेदारी है कि उसको पैसा लाके, या सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जिम्मेदारी है कि उसको पैसा लाके दे. तो अगर सोचो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने पैसा लाया, आप कोशिश करना चाहोगे क्या जनरल एंट्री पास होएगा फॉर कैश ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई कैन ट्राई एंड पुट इट अप इन द चैट बॉक्स. अगर किसी को बोलना है तो उसके हिसाब से यू कैन टेल. परफेक्ट, वेरी गुड. सो इट विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जाने वाला कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये पहला बात हो सकता है. दूसरा बात आ सकता है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मे बी गिवन. याद है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एन एसेट, एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, liabilities repayment taken over by a partner, refer journal entries discussed in the chapter admission of a partner. Now what I am going to tell you all is something very, very important. I want everyone to concentrate very carefully. Now this is given even in the chapter admission of partner, but admission mein kam aata hai, retirement death mein zyada aata hai. Please concentrate everyone. This is called as overvaluation and undervaluation of assets and liabilities. ये बताए मुझे कि आपको ये वर्ड ओवर और अंडर इसके बारे में क्या समझ में आता है. ओवर म्हणजे काय, ओवर यानी क्या, ओवर यानी ज्यादा. हाँ, और नेचुरली अंडर उसका ऑपोजिट यानी कम. तो कभी कभी क्या होता है, एसेट्स कैन बी ओवर वैल्यूड और एसेट्स कैन बी अंडर वैल्यूड. नाउ कॉन्सेंट्रेट केयरफुली नेक्स्ट 5 to 10 minutes, थोड़ा टेक्निकल बातें मैं बताऊंगा एंड देन उसका इजी इफेक्ट बताऊंगा. My dear friends, थोड़ा इमेजिन करो, सब लोगों ने इमेजिन करो फाइनल अकाउंट्स. Everyone, please imagine final accounts. Now, if I say to all of you that we are discussing about trading account, imagine this is a trading account. This is just an example, my dear friends. Let us say
पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, मान के चलो मेरे फाइनल अकाउंट्स में, मैं जब फाइनल अकाउंट्स बना रहा था तब मैंने सब सब चीज लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स और वो सब लिखा हुआ है। उसमें से एक आइटम इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। मैं प्रिज्यूम करता हूं कि सपोज मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखते वक्त लिखा 240,000, तो जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, और उस वक्त मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आया था कुछ 90,000। बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो 240,000 नहीं बल्कि 204,000 था या 220,000 था। लेट अस सी, अब ध्यान से समझो मेरी बात, बताओ अगर मैं ये 240,000 को 220,000 करता हूं तो इसका असर प्रॉफिट पर पड़ेगा क्या? यस और नो? विल इट अफेक्ट माय ग्रॉस प्रॉफिट? इफ आई मेक 220,000, इफ आई राइट 220,000 इंस्टेड ऑफ 240,000, my question to you is will it affect my gross profit? And the answer, as you all say, is correct, yes. Can anybody tell me if I make this 220,000 what will be my amount of gross profit? अगर मैं उसको 220,000 कर दिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या असर होगा, कितना अमाउंट आएगा? यस, वेरी सिंपल, जिनको समझ गया वेरी गुड, 70,000। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक मेरे एग्जांपल लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। Closing stock is an asset. तो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं दोस्तों, सब लोगों ने ध्यान देना, और मेरा स्टेटमेंट है assets are directly related to profits. मतलब क्या सर इसका मतलब? इसका मतलब है कि एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस प्रॉफिट आल्सो डिक्रीजेस। क्या ये स्टेटमेंट से आप लोग एग्री करते हो क्या? मैंने तो प्रूव कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हो गया, आया नहीं? लायबिलिटी का ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, लायबिलिटी उल्टा चलता है, लायबिलिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। लाइबिलिटीज आर वॉट? इनवर्सली रिलेटेड। इफ द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस प्रॉफिट्स डिक्रीजेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आपको यही दिखेगा, लाइबिलिटी बढ़ गया तो अपन लॉस बोलते ना, उसको यहां पर बोलते प्रॉफिट डिक्रीजेस। एंड if the value of liability decreases profit, the value of profit
प्रॉफिट और एसेट्स लाइबिलिटीज का रिलेशनशिप सब लोगों को समझ में आया क्या? दो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको जिंदगी भर काम में आएगा। जो लोग इसको याद रख सकते हैं उन लोगों के लिए इट्स ए बून। अब इसका सर हमारे एडजस्टमेंट से क्या वास्ता? अब हम लोग हमारे एसेट्स के बारे में, सॉरी हमारे एडजस्टमेंट में आते हैं। सपोज यू आर गिवन ओवर वैल्यूड एसेट, सपोज यू आर गिवन ओवर वैल्यूड एसेट, बोला है कि एसेट इज ओवर वैल्यूड, मतलब ज्यादा है ना रे, आप लोगों ने सब लोगों ने एग्री किया ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? ओवर वैल्यूड एसेट अगर हम लोगों को दिया रहेगा तो Suppose you are given overvalued asset, मतलब हमारा एसेट का वैल्यू ज्यादा है, हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे टाइम पर? लेस फ्रॉम एसेट, क्या करेंगे हम लोग ऐसे टाइम पर? लेस फ्रॉम एसेट, एवरीबडी एग्रीज टू दिस? अब एसेट कम हुआ तो नेचुरली वो हमारे लिए लॉस है, लॉस है मतलब कहाँ आएगा सेकेंड डिफरेंस उसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। बोलो क्या ये सब लोगों को समझ में आया क्या? वर्ड्स का हेर फेर है, बाकी सिंपल है एकदम। अब मैं बिना बताए तुम लोग बाकी का चार्ट लिख सकते हो। अगर आपको आया अंडर वैल्यूड एसेट्स, आपको क्या आया? अंडर वैल्यूड एसेट, मतलब एसेट का वैल्यू कम है, तो क्या करोगे आप? एड टू एसेट, और एसेट ऐड किया मतलब आपके लिए फायदे वाली बात है, तो कहां लिखोगे उसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। नाउ फ्रेंड्स can imagine, you can start imagining, if I am writing overvalued liabilities, अगर मैं लिख रहा हूं overvalued liability मेरा overvalued है, तो मैं क्या करूंगा? less from liabilities, और naturally liability कम हुआ तो मेरे लिए वो तो profit है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। और अगर हमको दिया है अंडर वैल्यूड लाइबिलिटी, तो करना पड़ेगा एड टू लाइबिलिटी, और सेकेंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो है सिंपल, लेकिन क्या हो गया था, अपन ने इसको अलग से डिस्कस नहीं किया, तो मेरे को एक दो स्टूडेंट्स लोगों ने फोन करके व्हाट्सएप में पूछा सर ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, ओवर वैल्यूड यानी दिया हुआ वैल्यू से ज्यादा वैल्यू, अंडर वैल्यूड यानी दिया हुआ एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू, बस।